पड़ा होगी कंट्री को जब कंट्री इतना पीछे जा रही है। हम ये प्रोटेस्ट लेडीज के जरिए ये सरकार को जगाना चाहते हैं। 2014 के बाद से जो महंगाई है वो तो स्लो तो आसमान ही छूते जा रही है। एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी पण आहे पण बंद झाली आहे। पूर्ण पैसा सब्सिडी तर आमच्या लोकांचा आहे बरोबर, पब्लिकचा पैसा कुठे जाते? अच्छे दिन हमारे लिए आए नहीं, उनको गैस छोड़ के उनको चूल्हे पे रोटी बनाना पड़ेगी। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। लगातार रसोई गैस की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, आज मुंब्रा में एनसीपी पार्टी की तमाम महिला कार्यकर्ताएं यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से जो रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं उसका विरोध करते हुए जो महिलाएँ हैं वो रोड के किनारे ही चूल्हा बनाकर यहाँ पर जो है रोटी यहाँ पर बनाने का काम कर रही है। आप देखेंगे चूल्हा जो है ये लकड़ियों से यहाँ पर आग जलाई गई है और इसलिए जो है खास तौर पर ये महिलाएं जो है केंद्र सरकार का है मोदी सरकार का विरोध कर रही हैं। पहले हम इनसे बात करेंगे, उसके बाद जो नेतृत्व कर रही हैं इस आंदोलन का मर्जिया पठान, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? आज हमारे को आंदोलन करने की वजह ये है कि हम बहुत अभी तंग आ गए, इनके अच्छे दिन हमारे लिए आए नहीं, इनके अच्छे दिन हमारे लिए आए नहीं, इस वजह से हमारे लौटा तो हमारे पूरे हम चूल्हे के ऊपर जी लेंगे। हमको नहीं मनता, नहीं मनता है ना हमारे को इसके अच्छे दिन की जरूरत है ना हमारे को इसका जश्न की जरूरत। तो आपने सुना कि जिस तरह से मोदी सरकार ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन इन लोग का कहना है कि जो इनके बुरे दिन थे वही इनको लौटा दिया जाए। और यहाँ पर हम मर्जिया पठान जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं, जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और आज आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए 2014 के बाद से जो महंगाई है जिसके लिए ये लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, तो 2014 के बाद से जो महंगाई है वो तो स्लो स्लो आसमान ही छूते जा रही है। किसी भी चीज़ की महंगाई को लेके इतने सारे प्रॉमिसेस किए गए थे पर एक भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया गया है। 2014 से पहले जो हमारे गैस का भाव था वो 410 रुपये था, जो हमारे गैस का भाव है वो 410 रुपये था। नाउ इट इज़ मोर देन डबल, इट इज़ नाउ 859 रुपीज़। अगर आप जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 के दरमियान देखेंगे तो 165 रुपीज़ से प्राइस बढ़ चुका है और ज़्यादा। और जो सब्सिडी है, जे आपली सब्सिडी आहे ना एलपीजी सिलेंडर जी सब्सिडी पण आहे ते पण बंद झाली आहे। मे 2020 पासून ते तो सब्सिडी पण बंद झाली आहे। आणखी 13-14 महिना झाला आहे, पूर्ण पैसा सब्सिडीचा आमच्या लोकांचा आहे बरोबर, पब्लिकचा पैसा कुठे जाते? पैसा कुठे जाते माझं क्वेश्चन आहे। मला एक ध्यानची जबाबदारी कोण घेणार आहे? पब्लिकचा पैसा कुठे जात आहे? आप सोचो 13-14 महीने से जो ये सब्सिडी बंद की गई है लोगों के लिए, अभी जो गैस का जो भाव बढ़ चुका है इससे लोग घर में कैसे अफोर्ड करेंगे? एलपीजी सिलेंडर तो ऐसी नौबत आ जाएंगी कि लोग चूल्हे पे खाना बनाएंगे। यहाँ पे अगर गैस सिलेंडर नहीं चल पाएंगे तो आप गांव साइड रूरल एरियाज में कैसे करोगे, कैसे लाओगे अच्छे दिन, कैसे आगे बढ़ाओगे कंट्री को जब कंट्री इतना पीछे जा रही है, ऑलरेडी कंट्री बैकवर्ड जा रही है। तो हमको आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमको हमारे बुरे दिन लौटा दो। सबकी जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ लगातार जो है विरोध किया जा रहा है और यहाँ पर नगर सेविका फरीदाना हमारे साथ यहाँ है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? आप नगर सेविका है लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक गृहिणी भी है, तो जिस तरह से रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर जो है आप लोगों का आज विरोध प्रदर्शन है, कैसा असर इसको लेकर पड़ रहा है? हम ये प्रोटेस्ट लेडीज के जरिए ये सरकार को जगाना चाहते हैं कि उन्होंने कहा था इलेक्शन के पहले कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे और अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन लोगों को मुझे नहीं लगता है कि उनके अच्छे दिन आए, उनके बुरे दिन आ गए कि उनको गैस छोड़ के उनको चूल्हे पे रोटी बनाना पड़ेगी, चूल्हे पे खाना बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं मोदी सरकार से ये कहती हूँ कि जो हमारा 2 साल का कोविड पीरियड गुजरा है उसमें उन्हें सरकार को ये करना चाहिए कि वो कुछ अच्छी स्कीम लाए ताकि लोगों को फैसिलिटी मिले, ताकि ये नहीं करे कि वो महंगाई बढ़ाए, ताकि लोगों के रोजगार कम हो और लोग अपना पेट ही नहीं भर पाए। आज उनको रास्ते पे आना पड़ रहा है और उन्हें गैस छोड़ के उनको चूल्हा जलाना पड़ रहा है। तो मेरी मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारे अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए, जो हमारे पुराने दिन थे वही हमें हमारे लौटा दीजिए। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही बोलना चाहती हूँ मोदी सरकार को कि अपनी महंगाई कम करे और लोगों के बारे में कुछ अच्छा सोचे। अच्छे दिन बोलने से नहीं आएंगे, करने से आएंगे।
तो कुछ अच्छे दिन का। तो आपने सुना कि जिस तरह से आज एनसीपी के तमाम महिला कार्यकर्ता है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ रोड के किनारे जो है ईंटे की चूल बनाई गई, उसमें लकड़ियाँ डालकर जो है आग जलाया गया और इस पर रोटी जो है यहाँ पर महिलाएँ बना रही हैं। बहरहाल आपको बता दें जिस तरह से पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ते जा रहे हैं, पूरे देश में ही इसके खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।